अपने मनपसंद सीरियल्स देखने के लिए अल्ट्रा टीवी सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। जो दुश्मनों के रंग उड़ाए, जो उलझनों को सुलझाए, जो राजा रैंचो, राजा रैंचो, राजा रैंचो। तो इनके नए ढंग लाए जहां में नए रंग, मस्तियों में झूम के मंजिलों को चूम के चले जमाना इनके संग। वेरी गुड, बड़े कमाल की जगह चुनी है राजकुमारी ने, किसी को जरा भी शक नहीं हो सकता। जी बिल्कुल, और हम लोगों ने यह भी फैसला किया है कि कल हम सब लोग मिलकर कुंवर उदय प्रताप को घर पर ले आएंगे ताकि उनके दिलो दिमाग पर जो डर जो वहम बैठा है वो दूर हो जाए। बिल्कुल सच कहा राजा साहब आपने, उदय प्रताप के बिना इस महल में मेरा जरा भी दिल नहीं लगता। जी मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूँ। घबराइए मत भैया, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमार उदय प्रताप सिंह, तुमने मुझे बहुत तड़पाया है, तुम्हारी मौत के साथ सारे राज दफन हो जाएंगे। तुम अगर सोचते हो कि तुम जिंदा बच जाओगे तो बहुत गलत समझते हो, मरना तो तुम्हें हर हाल में है उदय प्रताप, क्योंकि तुम कुछ ऐसी बातें जान गए हो जो तुम्हें नहीं जाननी चाहिए थी। Thank you.
अब तो यार आप कौन हो? बस भर चुका है पाप का घड़ा, खत्म हो चुका है तुम जैसे पापियों का खेल। जमीन पर लेटा हुआ आदमी उदय प्रताप नहीं बल्कि एक पुतला है। ए, तुम लोग बंदूक फेंक के हाथ ऊपर कर लो, तुम सबको पुलिस ने चारों तरफ से घेर लिया है। हाँ, बोल के कहाँ जाएगा, छोड़ेगा नहीं, ऐ नाटक नहीं करेगा। रैंचो, उतार दो इन लोगों के नकाब। विजय भैया, आप? जी राजकुमारी जी, ये हैं कुंवर विजय प्रताप, आपके भाई। हमने कभी सोचा भी नहीं था, हमारा अपना भाई। अपना भाई नहीं, अपने भाई कहिए। मतलब? मतलब कि इनके चेहरे से कभी नकाब उतरा ही नहीं। कौन है ये? इंस्पेक्टर साहब। यस सर। जरा इन जनाब के चेहरे से नकाब तो उतारी। अरे राजा साहब, हम तो यू नकाब उतारता है, वहां हाथ का खेल है, देखो अभी करता है। वो तो चुपचाप। अरे ये तो मोर गया था, चंद्र प्रताप है जी। ये हैं आपके भाई चंद्र प्रताप सिंह, यानी कि इस केस के असली अभियुक्त। लेकिन वो जो कोमरा में लाश मिला तो वो किसका है? वो लाश सूर्य प्रताप जी की थी। ये कैसे हो सकता है? दरअसल ये सब कुछ एक बहुत ही सोची समझी साजिश के तहत हुआ, और इस साजिश में ये दोनों भाई शरीक थे। राणा खानदान में सिर्फ सूर्य प्रताप की ही माली हालत अच्छी थी, बाकी सब तो किसी ना किसी परेशानी में मुब्तला थे ही। शायद इसीलिए चंद्र प्रताप ने अपनी मुंबई की फाइनेंस कंपनी से 1 करोड़ रुपए का गबन किया और यहां भाग आए, ताकि यहां से कहीं और फरार हो सकें। लेकिन इत्तफाक देखिए, उसी रात सूर्य प्रताप और शालिनी देवी में अनबन हो गई, और उसी रात चंद्र प्रताप के एक दोस्त ने मुंबई से फोन करके इन्हें यह बताया कि पुलिस इनका पीछा कर रही है। अब ये बात सब लोग जानते थे कि दूसरे दिन अल सुबह सूर्य प्रताप जी नेपाल के लिए रवाना होने वाले हैं, इसलिए चंद्र प्रताप ने एक साजिश रची और पैसों का लालच देके विजय प्रताप को उसमें शामिल कर लिया। दोनों भाई ने सूर्य प्रताप को बेहोश करके चंद्र प्रताप के कमरे में ले गए। और बहुत ही बेरहमी से उनका कत्ल कर डाला, अच्छी तरह से प्लान करके। लेकिन वो बात सबने सुनी है ना, जो चुप रहेगी जबान खंजर लहू पुकारेगा आस्ती का। ये सारा नजारा इस मासूम उदय प्रताप ने अपनी आंखों से देखा। और इस बात से डरकर चंद्र प्रताप ने विजय प्रताप को उदय प्रताप को कत्ल करने की जिम्मेदारी सौंप दी। लेकिन किस्मत देखी, उदय प्रताप महल से गायब हो गए। फिर चंद्र प्रताप ने सूर्य प्रताप की ड्रेस पहनकर नेपाल की ओर रवानगी डाल दी लोगों को दिखाने के लिए, और जिसने भी देखा उसने यही जाना कि सूर्य प्रताप ही सुबह सुबह घर से निकल गए हैं। अब बारी थी विजय प्रताप की। इन्होंने सूर्य प्रताप को चंद्र प्रताप के कपड़े और अंगूठी पहनाकर बिठा दिया, लेकिन ये भूल गए कि सूर्य प्रताप उस उंगली में कभी अंगूठी पहनते ही नहीं थे जिसमें इन्होंने उन्हें अंगूठी पहनाई।
लेकिन कांग्रेस से मिला वो फिंगरप्रिंट। इंस्पेक्टर साहब, दरअसल इस केस में सबसे ज्यादा कमाल फिंगरप्रिंट्स का है। जनाब चंद्र प्रताप ने अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अपने कमरे से हटाकर कहीं और रख दी, और सूर्य प्रताप जी के रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें अपने कमरे में रख दी, ताकि किसी को किसी तरह का कोई शक ना हो। और उसी चक्कर में आप भी फंस गए। आपको लगा कि वो लाश चंद्र प्रताप की ही है। लेकिन जो कमरे में गोली चला था तो विजय प्रताप तो हमारे पास में खड़ा था। दरअसल वो कमाल उस पानी का है जो लाश के पैर के पास था। वो पानी पानी बनने से पहले बर्फ का टुकड़ा था, जिसे विजय प्रताप ने सूर्य प्रताप के पैर के नीचे रख दिया था। और आकर पार्टी में शामिल हो गया था। जैसे ही वो बर्फ पिघली, पैर नीचे गया, रस्सी खींची और गोली चल गई। और ये शालिनी राजकुमारी पे जो हमला हुआ है, ये भी इन्हीं लोगों ने किया है। अगर इसने किया है तो राजकुमारी ने उसका नाम क्यों नहीं लिया है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, राजकुमारी जी पर हमला इन दोनों भाइयों ने नहीं किया। अरे, तो इसका मतलब है कोई तीसरा है? अगर आप कहें तो मैं, खैर मैं चाहता हूं राजकुमारी जी आप खुद ये सारी बात बयान करें। हाँ बोलो इंस्पेक्टर साहब। हमने ही खुद पर चाकू चलाया था। बाकी को झूठ बोलने के लिए भी हमने ही कहा था, सिर्फ इसलिए कि कोई हमारे भाई उदय का पीछा ना करे। हमारी वजह से अगर आपकी कार्रवाई में कोई विघ्न पड़ा हो तो हमें माफ कर दीजिए। सब समझ गया, सब समझ गया। वो जो नेपाल में लाश मिला वो भी किसी और का था। और चंदा को भी इन्हीं लोगों ने धोखा में रखा। चाचू जी बाबू, आपने किच्छू जानी ना। ना 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 ना, हमारे कहने का मतलब है कि आप एकदम सही रास्ता पर जा रहा है। अभी मैं आपको बताता हूं। चंदा का इस्तेमाल इन दोनों भाइयों ने बहला फुसलाकर अपने काम के लिए किया। हमें माफ कर दीजिए राजा साहब, हमसे गलती हो गई, हम बेकसूर हैं। चंदा, तुम्हें माफ करना ना करना राजकुमारी जी के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं। राजा साहब, आज सिर्फ आपकी वजह से ये केस सॉल्व हुआ है। नहीं नहीं मौशाई, राजा और रेंचो की वजह से। ओह, आई एम वेरी सॉरी, राजा और रेंचो की वजह से ये केस सॉल्व हुआ है, हमारा भी रिकॉर्ड थोड़ा अच्छा हो जाएगा। मौशाई, मेरी एक राय है, अगर हम अपना फर्ज कभी ना भूलें तो कभी कोई परेशानी ना हो। और वैसे भी जब जब जो जो होना है तब तब सो सो होता है।